हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी होस्ट शोभा आज आपके साथ हूँ एक अनदर व्लॉग के साथ। आई होप ये व्लॉग आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज जो हम शेयर करने वाले हैं वो है मॉनसून हैक्स। तो आई होप ये मॉनसून हैक्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। वैसे तो ये सभी को पता है, बट मैं आपके साथ एक बार इनको रिमाइंड कराना चाहती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो फ्रेंड्स, हैक नंबर वन जो हमें मॉनसून आते ही हमें स्टार्ट कर देना चाहिए वो है हमें कॉटन छोड़ के फैब्रिक हमें यूज़ करना चाहिए। जॉर्जेट शिफॉन ये हमें फैब्रिक यूज़ करने चाहिए। अपने कपड़ों को हमें इस फैब्रिक में लेना चाहिए, क्योंकि अगर इनकेस ये कभी भीग भी जाते हैं तो इंस्टेंट ये सूख जाते हैं, हवा इन्हें एकदम ड्राई कर देती है। नेक्स्ट जो मॉनसून हैक है वो है हमें कभी भी मॉनसून में लेदर्स के शूज़ नहीं यूज़ करने चाहिए। हमें हमेशा या तो आपको प्लास्टिक या फिर रबड़ के आजकल बहुत अच्छे शू कलेक्शन या शूज़ आने लगे हैं, सैंडल्स आने लगे हैं, हमें वो ही यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मॉनसून के सीज़न में हमारे जो डोर्स हैं उनमें से बहुत या तो वो उनकी प्लाई फूल जाती है, वो बंद नहीं होते हैं, और अगर बंद भी होते तो वो आवाज़ करने लगते हैं। तो इसको दूर करने के लिए हमें उनके जो स्क्रूज़ होते हैं कॉर्नर्स पे, या तो हमें मशीन ऑयल जो हम आप स्विंग मशीन में जो ऑयल डालते हैं वो डालना चाहिए। इनकेस आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसमें मस्टर्ड ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हैक है फ्रेंड्स, इस टाइम पे हमें पूरे हमारे पूरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं सबको ही, स्पेशली बच्चों को और वेमेंस को, इस टाइम जो अंडर गारमेंट्स हैं वो कॉटन फैब्रिक के ही यूज़ करने चाहिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी स्वेट होता है वो कॉटन उसको ऑब्जर्व कर लेता है। अगर आप कोई और फैब्रिक के अंडर गारमेंट्स पहनते हैं तो वो ड्राई नहीं होते और वहाँ और इचिंग आपको स्टार्ट हो जाती है या एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा हैक है वो है ये कि आप जब भी मॉनसून आते ही हमें अपनी चाय में तुलसी और अदरक का यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर आपके पास अदरक या तुलसी नहीं अवेलेबल है तो आप दालचीनी ज़रूर अपनी चाय में डालिए, और मॉनसून आते ही बच्चों को भी आप मॉर्निंग या इवनिंग एक टाइम आप ज़रूर उनको ये वाली चाय मसाला की ज़रूर दीजिए, उससे उनके इम्यून सिस्टम और गले हमेशा ही सही रहेगा। नेक्स्ट जो हैक है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसे मॉनसून में हम जब भी बाहर निकलते हैं तो हमें अपने बैग में, चाहे हम छोटे अपनी नियर लोकल मार्केट या अपने जस्ट 10-20 मिनट्स के वॉक पे जा रहे हैं, पर अम्ब्रेला आप अपने साथ एक ज़रूर रखिए, फोल्डिंग अम्ब्रेला, डबल फोल्डेड या जैसा भी एक अम्ब्रेला आपके बैग में ज़रूर होना चाहिए। ऐसे वेदर में मॉनसून में हम जब कभी ऑफिस जाते हैं या आप कहीं भी जा रहे हैं बाहर, तो आप अपना एक सेट ऑफ ड्रेस अपने बैग में ज़रूर डाल के रखें, क्योंकि आते जाते कहीं भी आपके कपड़े गीले या वेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इस मॉनसून के मौसम में बारिश कभी भी अचानक कहीं भी शुरू हो जाती है। तो रस्ते में आपके कपड़े गीले होते तो आपने वर्क प्लेस में जाके अनकम्फर्टेबल फील ना करें, आप इंस्टेंट जाके इमीडिएट जाके उनको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो है, मॉनसून में हमारे क्या होता है, फ्लोर्स जो होते हैं हमारे घर के, जो फ्लोर है, फर्श है, ये में बहुत ज़्यादा चांसेस जो आते हैं जर्म्स के और इंसेक्ट्स के। तो आप जब भी आप फ्लोर क्लीनिंग करती हैं या जैसे भी आप क्लीन करती हैं, उस वाटर में आप कोई भी लिक्विड डालती हैं, कोई भी सॉल्यूशन डालती हैं, उसके साथ आप उसमें 1 स्पून सॉल्ट और 1 स्पून बेकिंग पाउडर आप ज़रूर डालिए। इससे आपके घर की नेगेटिविटी और उससे जो इस मॉनसून में जो जर्म्स वगैरह बहुत ज़्यादा आने लगते हैं या चींटियां या जो भी है, तो वो आप छोटे मोटे कॉकरोच वो नहीं आएंगे बिल्कुल। और नेक्स्ट जो हैक मैं बताने जा रही हूँ वो है मॉनसून में जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा चींटियां और बहुत सारे कीड़े मकोड़े आने शुरू हो जाते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो उनके साइड में हल्दी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास मतलब हल्दी डाल सकते हैं और अगर हल्दी भी इफेक्ट नहीं करती है तो आप ऐसा कर सकते हैं, आजकल मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल है लक्ष्मण रेखा, ये आपको एक चौक की फॉर्म में मिलती है, तो इसको अगर आप कहीं भी, जैसे ये है देखिए, इस पे पॉली चढ़ी है, इसको आप रिमूव बस ऊपर से हल्का सा रिमूव करके इसको कहीं भी ऐसे इस वे में आप कहीं भी इसको ऐसे मार्क कर देंगे, जहाँ भी आपके इंसेक्ट या चींटियाँ कोई भी आते हैं तो वहाँ वो सब नहीं आएंगे। और मॉनसून में आप अपने ये घरों के कॉर्नर्स में, विंडोज़ पे, और अपने अगर आप फ्लावर्स आप रखते हैं तो फ्लावर्स पॉट जो गमले हैं उनको भी आप इससे
पूरा कवर मींस इससे मार्क करके उसमें वो नहीं आएंगे। और फ्रेंड्स इसके साथ ही मैं आपको एक और हैक बताना चाहूँगी आपकी स्किन के लिए, क्योंकि इसमें मॉनसून में हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है और हम बार बार उसको ऐसे रब करते करते वो बहुत पैनिक हो जाती है। और ज़्यादा आप कोई भी वाटर या कुछ भी आप यूज़ करते हैं तो वो भी हम बार बार नहीं कर पाते हैं। तो इससे अच्छा, सबसे अच्छा है अगर आपके पास एलोवेरा घर में है। वैसे तो आप नॉर्मल एलोवेरा जेल लगा के नाइट में जैसे आप सोते हैं तो आप एलोवेरा जेल उसमें लगा सकते हैं। अगर आप एलोवेरा जेल नहीं लगाना चाहते तो अगर आपके घर में एलोवेरा का प्लांट है, जैसे ये है, मैंने भी अपने घर में एलोवेरा, ये आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप साइड से ऐसे काट लीजिए, जो बिल्कुल इसके नुकीला वाला पोर्शन है, या बिल्कुल ऐसे काट लीजिए। काटने के बाद दोनों तरफ से आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आप इसके पीस कर लीजिए, जैसे ये है, इसको मैंने अलग कर दिया है, इसको आप ये इस फॉर्म में, ये देखिए मैंने ये दो तीन पीस कट करके रख लिए हैं। आप इनको ऐसे ऐसे काटेंगे और इसके बाद आप इसको एक अंदर की तरफ से, अंदर की तरफ वाला ये एक इसका बिल्कुल आप इसको ऐसे काट लीजिए, ऐसे काट सकते हैं आप इसको इस फॉर्म में। इसी तरफ से आपको इसको कटाना है, पीछे की तरफ से इसका ये नहीं निकालना है, पील नहीं करना है। ऐसे आप इसके पीसेस करके रख लीजिए, ऐसे देखिए मैं इसका भी करके दिखा रही हूँ आपको। ये आप ऐसे करके और इनको, जैसे ये दिखा रही हूँ, और इनको आप फॉइल पेपर में रैप करके आप अपने फ्रीजर में रख दीजिए और इसको आप कंटिन्यूसली मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग में कभी भी आप, ये बिल्कुल आपके एलोवेरा क्यूब्स बन जाएंगे और इनको आप इजीली बिल्कुल आइस की तरह अपने फेस पे रब कर सकते हैं और इससे इतना अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जैसे कि हम कभी भी जेल लगाते हैं तो देखिए अभी भी हाथ में मेरे बिल्कुल ये हो गए, तो ऐसा ना नहीं होगा आपके फेस स्किन पे भी और बिल्कुल आपकी फेस कूलिंग फील आपको आएगा और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा फेस के लिए, आप अपनी स्किन पे भी लगा सकते हैं हाथ पार पे, क्योंकि कहीं भी हम बैठे हैं तो बार बार जेल फॉर्म में हम नहीं कर सकते, आप दो तीन क्यूब्स उठा के आप अपने फेस पे अच्छे से उसको रब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे आज का मॉनसून हैक व्लॉग। व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी अभी मेरा चैनल ज्वाइन किया तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, हैव अ नाइस डे।